गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रतिलोम वर्तीय फलन, उसमें उसके जो गुणधर्म है उनका अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका था, उनके मुख्य मान निकालने थे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी गुणधर्म है आपके वही गुणधर्म इसमें अप्लाई होंगे, तो अच्छे से उसको याद करना है और उनकी उत्पत्ति भी आपको सीखनी है कहां से आए हैं। अब 2 tan inverse 1/2 - tan inverse 1/7 बराबर π/4। तो सबसे पहले तो देखो 2 tan inverse को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो 2 tan inverse x का जो गुणधर्म होता है वो होता है tan inverse 2x / 1 - x². ठीक है, यहां लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, तो 2 tan inverse x को ही सोल्व करना है, बाकी जो है इसको एज इट इज रखना है। तो tan inverse 2x, x मतलब 1/2, 1 - x² - 1/2 = 1/4 आगे है -tan inverse 1/7। अब 2 से 2 कट गया आपका, 1 बच गया, 4 - 1 = 3/4। इसका सूत्र लगाएंगे हम, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy, इसको सोल्व कीजिए, लघुत्तम आ गया 21, 7 * 28 -3 = 3, 7 * 21 आ गया लघुत्तम, 21 * 21 और 4 का 4, 21 से 21 कट गया, 28 में से 3 जाएगा 25, और 21 और 4 होता है 25, 25 से 25 कैंसिल, तो tan inverse 1 बच गया, और tan inverse 1 कितना होता है भाई, 5/4 बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसके अंदर, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। नेक्स्ट है आपको सिद्ध करना है tan inverse 17/19 -tan inverse 2/3 किसके इक्वल होगा, tan inverse 1/7 के। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया LHS, tan inverse x माइनस tan inverse y, tan inverse x माइनस y 1 + x * y, tan inverse x माइनस y अपॉन 1 + xy, तो tan inverse लघुत्तम हो गया आपका 19 * 57, तो 17 * 51 -19 * 38, यहां पे भी लघुत्तम हो गया 19 * 57, 57 को 1 से 57 + 17 * 34, आगे संख्या 57 से 57 कैंसिल आउट हो गया आपका, 51 में से 38, 11 में से 8 गया आपका 3, 4 में से 3 गया 1, 7 और 4 = 11, 5 * 8 = 9, 13 * 13 13 * 7 = 91, tan inverse 1/7 equals to right hand side, ओके। cos inverse 63/65 + 2 tan inverse 1/5 = sin inverse 3/5, एडमिट
इसको और आप ऐसे सोल्व करोगे ठीक है, कैलकुलेशन भारी पड़ेगी आपके पास में 63 और 65, और फिर इसका फिर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का लगाओगे सूत्र, या फिर इसको टेन में भी बदलते हो तो भी अगर सूत्र लगाओगे तो कैलकुलेशन क्या है भारी पड़ेगी। इसकी और इसकी दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 tan इनवर्स 1/5। अब मैं यहां से देता हूं राइट हैंड साइड, इसमें 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाया, tan इनवर्स 2x/1 - x2। 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x/1 - x2। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स ये हो गया 2/5, 25 से कम 25 में से जाएगा 24/25। ये आपका हो गया 2/5 × 25/24, 5 25, 2 × 2 = 4, 5/12 tan इनवर्स 5/12। अब इन दोनों को सोल्व करने से पहले एक में बदलना पड़ेगा, जैसे साइन को किसमें बदल लीजिए tan में बदल लीजिए, तो एक बार ये कम कर देता हूं, इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, लाल पट्टी का लंबा आपका 3 हो गया, करण 5 हो गया, तो आधार कितना जाएगा 4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स लंब बटे आधार 3/4। साइन इनवर्स 3/5 को किसमें बदलना है tan इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 3/5 मतलब ये आपका लंब बटे करण ठीक है, और अपने आधार आ गया पाइथागोरस पद में से 4, और tan इनवर्स से मतलब कोई होता है लंब बटे आधार 3/4। आगे क्या है माइनस tan इनवर्स 5/12। अब इसमें सूत्र लगा दीजिए अपना, tan इनवर्स x - y 1+xy। सोल्व कीजिए 12 × 48, तो 12 × 36, 5 × 20, 12 × 48, 48 और 5 × 15 कट गया है आपका, ये बच्चा 6 और 3 में से 2 है आपका 1 16, और 8 × 5 = 13, और 4 × 5 = 6 63, 16/63 बच गया। इसको किसमें बदलना है, कोस में बदलना है, तो कोस में बदलोगे देखो ये लंब हो गया आपका 16 और आधार आपका हो गया 63। करण निकालेंगे तो 16 की स्क्वायर + 63 की स्क्वायर, 16 × 16 = 256, और ये हो गया 63 63, 3 × 9 = 18, 6 × 18 = 36 और 1 = 37, 9 × 8 = 16, 7 × 8 = 9, और ये हो गया 3 3 9 6 9 9 6 15, 6 × 5 = 11 और 1 = 12, 9 × 2 = 11 और 1 = 12, और 3 इसका रूट कितना हुआ 65 ठीक है, 65 मतलब निकालो रूट भाई 32 25, 6 सबसे पहले 32 25 का रूट आपका 6 से 36 नहीं यार ये तो नहीं हो रहा आपका कैलकुलेशन में गलती कर दिया, 3 × 9 18 6 3 18 6 36 36 3 1 9 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
छत्तीस, 12 में से 6 जाएगा 6, क्या उत्तर है? अगला थोड़ा 6 और 6 12, 5 से गुणा करेंगे तो 625। तो आ गया आपका 65 का रूट। तो tan इनवर्स मैं सॉरी cos में बदलना है, तो cos इनवर्स आधार आपका 63, करण आपका 65 बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ओके हाँ, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर कितना है 15। तो इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, tan इनवर्स 2 को मैंने मान लिया थीटा या a मान लीजिए, तो tan a कितना आ गया 2। tan इनवर्स 2 को a कंसीडर किया तो tan a कितना हो गया आपका 2। cot इनवर्स 3 को b कंसीडर किया तो cot b कितना हो गया आपका 3। कर दीजिए इसमें sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 की जगह a, तो sec स्क्वायर a और ये हो गया cosec स्क्वायर b। cot इनवर्स 3 की जगह रखा है b, तो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan a कितना है 2, 2 की स्क्वायर आ जाएगी, cot b कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 3 का स्क्वायर 9, 2 4 13, 14 और 1 15 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये चीज है तीनों बराबर होनी चाहिए आपकी। तो tan इनवर्स है तो यहां से tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए x की जगह क्या रखूंगा tan, तो यहां मैं रख देता हूं x की जगह रख दिया मैंने tan a, तो 2 tan इनवर्स x की जगह मैंने रखा tan a, sin इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a और ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan का स्क्वायर a। tan से tan इनवर्स कैंसिल क्या बच गया 2a, sin इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, sin 2a का सूत्र होता है और cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी cos 2a का सूत्र होता है। तो ये 2a कर कैंसिल 2a और ये भी 2a एंड रूट। तो ये आपका सूत्र रियल में भी होता है, ठीक है, इसका सूत्र भी मतलब डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। 2 tan इनवर्स x का एक तो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, बाय चांस 2 tan इनवर्स का साइन में पूछे या कोस में पूछे तो ये आपके दो सूत्र और, ठीक है, इनको भी मतलब सूत्र में ही लिख लेना या व्युत्पत्ति में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स दिस वन दिस वन दिस वन बराबर क्या होना चाहिए पाई, और जहां पे a प्लस b प्लस c बराबर क्या है पाई है। तो LHS किया मैंने, सूत्र लगाया tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड गुणा कर दूंगा अपॉन 1 माइनस इन दोनों का गुणा वाई जेड बी एक्स अपॉन सी ए सी
एक्स अपॉन ए बी एक्स ए एक्स अपॉन बी सी सी एक्स अपॉन ए बी। अब देखो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए पाई के इक्वल करवाया है तो पाई मतलब टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू होती है, नहीं सॉरी टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है आपकी, ठीक है सॉरी टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो नीचे वाला मतलब ये ऊपर वाला जीरो बनेगा आपका, ठीक है। नीचे से आपका कोई मतलब नहीं, नीचे जो है उसको सोल्व करने से कोई सेंस नहीं निकलता, ये पड़ा रहेगा और ऊपर वाले को सोल्व करो ए एक्स अपॉन बी सी इसका तीनों का जो लघुत्तम है इसको अलग अलग लिख लो रूट ए एक्स अपॉन रूट बी सी रूट बी एक्स अपॉन रूट सी ए रूट सी एक्स अपॉन रूट ए बी माइनस रूट आ जाएगा यहां ए बी सी और एक्स यू ए बी सी एक्स यू का रूट। नीचे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रात एक जैसी है तो आराम से आप पूरे गुणा कर सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नीचे वाले को मैं टच नहीं लूंगा जैसा है वैसा वैसा लिखते रहो, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब इसको सोल्व करते हैं रूट बी सी है रूट सी ए है रूट ए बी है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका रूट ए बी सी ले ले इसका लघुत्तम ले लिया मैंने अंडर रूट ए बी सी तो रूट बी सी से रूट बी सी कैंसिल आउट हो गया ये जो रूट बी सी है ये रूट बी सी कैंसिल आउट हो गया रूट ए किससे गुणा होगा रूट ए एक्स से गुणा होगा तो रूट से रूट कैंसिल आपका ठीक है ये भैया ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर में ए बार आएगा ए रूट एक्स बचेगा। आगे रूट सी ए से रूट सी ए कैंसिल रूट बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी रूट एक्स हो जाएगा रूट ए बी से रूट ए बी रूट सी बचेगा तो रूट सी से रूट सी करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा सी रूट एक्स बन जाएगा इसका खत्म हुआ नहीं याद रखो ए बी सी बार आएगा ऊपर तो है ए बी सी एक्स क्यूब और नीचे है आपका ए बी सी और पूरे भाग में जो था वो आपका एज इट इज। अब टेन इनवर्स ए रूट एक्स बी रूट एक्स सी रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी सी रूट ए बी सी से रूट ए बी सी कट जाए एक्स क्यू का रूट करोगे तो एक्स रूट एक्स बचेगा और नीचे रूट ए बी सी बचेगा क्योंकि इस ए बी सी को आप क्या लिख सकते हो रूट ए बी सी रूट ए बी सी एक तो एक कट गया और एक रूट ए बी सी नीचे बच गया बाद में जो था वो आपका लघुत्तम आ गया इसका अंडर रूट ए बी सी ये हो गया ए रूट एक्स बी रूट एक्स सी रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। अब रूट एक्स कॉमन आ जाएगा ऊपर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और नीचे आपका है अंडर रूट ए बी सी और बाद में जो था वो आपका। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी आपका किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है एक्स के तो मैं इसकी जगह एक्स रखूंगा यहाँ पे एक्स में से एक्स आएगा आपका क्या हो जाएगा जीरो। अब जीरो हो जाए किसी से बात कर लो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो भी होती है और पाई भी होती है तो या फिर पाई का गुणज भी होता है टू पाई थ्री पाई जो भी है
तो एक से लेके आपके 7 तक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इनको बढ़िया ढंग से आपको प्रैक्टिस में करना है।